लेकिन मसला यहाँ असम में ये भी है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं यहाँ, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के एमएलएज हैं, बीजेपी के एक्स एमएलए शिलादित्य देव नाम के एक आदमी है, वो हमेशा अनर्गल इस्लाम के खिलाफ, प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। 100 से ज़्यादा केस उसके नाम पर है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। तो हम मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं, आपने आफताबुद्दीन मुल्ला को गिरफ्तार किया, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस तरह गलत बात कोई बोलेगा, होना चाहिए गिरफ्तार, गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आपके दल में भी जो लोग, आपके मंत्री हो या आपके एमएलएज हो, वो जो गलत बयानी कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग अटैक कर रहे हैं, उनको भी दो चार को आप गिरफ्तार कीजिए। आफताबुद्दीन मुल्ला की मुस्लिम होते गिरफ्तार करा हलो, এমন প্রশ্ন তুললেন ইউডিএফ এর জোনিয়ার বিধায়ক রফিকুল ইসলাম। কংগ্রেসের বিধায়ক আফতাবউদ্দিন মোল্লার গ্রেফতারিকে সাধুবাদ জানিয়ে রাজ্য সরকারকে রীতিমতো ধুইয়ে দিলেন এআইইউডিএফ এর জোনিয়ার বিধায়ক রফিকুল ইসলাম। আফতাবউদ্দিন মোল্লাকে মুসলিম হওয়াতেই গ্রেফতার করা হলো প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বলেন কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি ভূপেন বরা তো বললেন শ্রীকৃষ্ণ নাকি লাভ জেহাদ করেছিলেন, কই তখন তো গ্রেফতার করা হলো না। তিনি অবশ্য তার বক্তব্যে স্পষ্ট করে বলেন আফতাবউদ্দিন মোল্লার গ্রেফতারির বিরুদ্ধে তার কোনো আপিল নেই, সরকারের এই পদক্ষেপ সঠিক হয়েছে বলে সমর্থন জানিয়ে তিনি এও বলেন আফতাবউদ্দিন মোল্লার আগে ভূপেন বরাকে গ্রেফতার করা উচিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে উদ্দেশ্য করে আজমল ব্রিগেডের বিধায়ক রফিকুল বলেন আপনার দলের যে সব মন্ত্রী বিধায়ক প্রাক্তন বিধায়করা বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক বক্তব্যের পাশাপাশি পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে অন্য ধর্মের মানুষদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে থাকেন সেই সব ব্যক্তিদেরও গ্রেফতার করান, এতে ব্যালেন্স মেইনটেইনস হবে এবং সমাজে একটি ভালো বার্তা যাবে, এতে রক্ষা হবে আসামের সকল জাতি জনগোষ্ঠীর সমন্বয় এবং সম্প্রীতি। বিশেষ করে বিধায়ক ইসলাম বিজেপির প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেবের প্রসঙ্গ তুলে বলেন এই অস্তিত্বহীন নেতাকে অনেক আগেই গ্রেফতার করে একটি কঠোর বার্তা দেওয়া উচিত ছিল সরকারের। देखिए कांग्रेस के एमएलए आफताबउद्दीन मोल्ला को गिरफ्तार किया है, उन्होंने एक सांप्रदायिक वक्तव्य दिया था। प्रीस्ट और हिंदू धर्म के धर्म गुरु इनको लेके जो दिया था, आपत्तिजनक है, हम कंडेम करते हैं उसको। इस तरह की बातें किसी को नहीं बोलना चाहिए। जिन बातों से संप्रीति विनष्ट हो, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। खासतौर से जो पॉलिटिशियन है या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, एमएलएज हो या एमपीज हो, उनको तो इस तरह की बातों से उनको बच के रहना चाहिए। क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं कि लोगों का प्रतिनिधि है, किस तरह हम बात करते हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा काम क्या है, इन पे लोगों की नज़र होती है। तो इस तरह की बात किसी को नहीं करना चाहिए और ख़ासतौर से जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको तो इससे बचना चाहिए। और किसी की कोई भी धर्म हो, धर्मपुथी हो, धर्म गुरु हो, या उस धर्म के जो मूल आदमी हो, या जिन पे लोग बिलीव करते हो, इन पे तो कोई गलत बात टिप्पणी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह इससे जो है हमारा हारमोनी और जो संप्रीति है वो मजबूत होगा। और अब उनको गिरफ्तार किया है, अब देखिए कानून का काम करेगा। लेकिन मसला यहाँ असम में ये भी है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं यहाँ, बीजेपी के मंत्री है, बीजेपी के एमएलएज है, बीजेपी के एक्स एमएलए शिलादित्य देव नाम के एक आदमी है, वो हमेशा अनर्गल इस्लाम के खिलाफ, प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। 100 से ज्यादा केस उसके नाम पर है, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। तो हम मुख्यमंत्री से आह्वान करते हैं, आपने आफताबउद्दीन मुल्ला को गिरफ्तार किया, इससे हमें कोई एतराज नहीं। इस तरह गलत बात कोई बोलेगा, होना चाहिए गिरफ्तार, गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आपके दल में भी जो लोग, आपके मंत्री हो या आपके एमएलएज हो, वो जो गलत बयानी कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग अटैक कर रहे हैं, उनको भी दो चार को आप गिरफ्तार कीजिए, तब बैलेंस होगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुसलमान है इसलिए इनको आपने गिरफ्तार कर लिया, वरना तो कांग्रेस का, हमारा जो आसाम कांग्रेस के सभापति हैं भूपेन बरा साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले श्री कृष्ण जी के खिलाफ बोल दिया था कि श्री कृष्ण जी ने लफ जिहाद किया है, गलत बात बोल दिया। हालांकि वो हिंदू आदमी है, भूपेन बरा साहब खुद हिंदू है, हिंदू बिलीफ पे वो यकीन रखते हैं, और उनके प्रभु, उनके जो भगवान है श्री कृष्ण, उनपे गलत टिप्पणी कर दिया उन्होंने। तो
आफ्ताबुद्दीन मुल्ला है इसलिए गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, इन बातों पे गिरफ्तार होना चाहिए, गलत बातों पे। अगर गलत बातों पे गिरफ्तारी हो तो बीजेपी के ढेर सारे नेताओं को गिरफ्तार करना चाहिए। दिल्ली से लेकर दिसपुर तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, एमएलए गलत बयानी करते रहते हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी। संवाद यह पर्यंत, परवर्ती अपडेट पे चोख रखुन पूर्वांचल प्रतिदिन। धन्यवाद।